यहाँ से निकलने वाले विशाखापट्टनम। बाहर से तो कुछ खास तक नहीं दिखे, बस टिकट महंगी है ट्रेन से। भैया एसी चालू कर दो। फाइनली पहुँच गए विशाखापट्टनम। बारिश बहुत ज्यादा हुई बीच में, कह रहे पूरी जा सकती है। फाइनली निकल गए अपनी प्रॉपर्टी से। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, अपनी प्रॉपर्टी में लगी है लिफ्ट, इसका पहले उठा लेते हैं। ये बिल्डिंग है अपनी। ये केले कौन से हैं भाई? मैंने तो पहली बार देखा लाल केला। फाइनली आ गई अपनी रैपिडो। लगातार बारिश हो रही है ऑलमोस्ट सुबह से, तो यहाँ से चलते हैं आरके बीच। सामने बीच है और ये मुझे थोड़ा सा मुंबई की याद दिला रहा है। मुंबई में भी कुछ इस तरह के बीच हैं। शाहरुख खान का घर जो ऐसे पहाड़ियाँ स्लाइड सी हैं, बाकी जो भी अच्छा लग रहा है। अब ये किसका है? एनटीआर का। एनटीआर का। और बारिश ने कर दिया कमाल, बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है बारिश ने। मेरे को छाता लेना है, छाता लाना भूल गया हूँ। आप लोगों का स्वागत करता हूँ विशाखापट्टनम से। और हम पहुँच चुके हैं विशाखापट्टनम के पहले बीच पे, जिसका नाम है आर के बीच, यानी रामाकृष्णा बीच। अब ये रामाकृष्णा कौन थे ये मत पूछना, और अगर किसी को पता तो कमेंट जरूर कर देना। बारिश थोड़ा परेशान कर रही है, बारिश बंद होगी तो आपको बढ़िया बढ़िया यहाँ के डॉन शॉट भी दिखा दूंगा। सबसे खूबसूरत बात क्या है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं बीच पे। अरे भैया 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 भैया, शुक्र है चप्पल पहन ली है मैंने। चप्पल ना पहनता तो मेरे जूतों का तो कल काम हो ही चुका था, आधे गीले हो गए थे। चलते हैं नीचे, नीचे चल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ कुछ बैठने का एरिया बना हुआ है, और यहाँ से आपका आगे का जो रूट है वो है आपका कैलाशगिरी। यहाँ से बस ऑटो मिल जाता है, वहाँ से मिल जाता है, पर ऑटो वाले भैया नखरीले, कह रहे प्राइवेट ऑटो करो। काफ़ी लोग यंगस्टर बैठे हुए हैं। वैसे सामने वो क्रीमी बेरी कॉफ़ी शॉप बनी हुई है, अगर वो इस साइड बनी होती तो और प्यारी लगती। और यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी सारे इन्होंने क्रिएटिविटी कर रखी है, स्टैचूज बना रखे हैं बच्चों के लिए बना रखे हैं। इन स्टैचूज वगैरह की बात कर रहा था, इस तरह के बहुत सारी क्रिएटिविटी कर रखी है इन्होंने। एक साथ जो इन्होंने ये पेड़ लगा रखे हैं, अरे भैया क्या ही मस्त है। ऐसा लगता है छोटी सी मूवी की शूटिंग हो सकती है यहाँ पे, शॉट वगैरह ले सकते हैं। हमारे साथ तो कोई है नहीं हमारा शॉट लेगा, पर काफ़ी अच्छा लगने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ दोस्त मिले हैं, मतलब दोस्त ही कहूँगा क्योंकि इन्होंने मुझे फोटो खींची है मस्त मस्त, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना उसके लिए। ये भाई लोग मिले हैं। और श्याम नाम है आपका? मेरा नाम श्रीराम है। श्याम श्रीराम, क्या बात है। राम सबके पीछे है क्या? सबके पीछे। और आपका क्या नाम है? जिंदगी ग्रुप है पूरा, ये पूरे फ्रेंड्स वगैरह बैठे हो भैया? भाई लवली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं यार। तो वहाँ से पढ़ के आए हो? जी। तो कुछ फायदा हुआ इसका? हाँ जी बिल्कुल। जॉब मिला? मिला, इंटर्नशिप में हूँ। इंटर्नशिप में जी मिल रहा है? अच्छा पैकेज। अच्छा पैकेज, बढ़िया भाई। बीटेक एमटेक जो भी करना है, एक्सप्रेस एड लवली यूनिवर्सिटी में फिर फेवरेबल है। पर पढ़ने वाले बच्चे होंगे ये बता दूँ, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाई लोग से बात कर रहे थे, बात करते हुए टाइम का पता नहीं चला, बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे थे। मैं कहा ड्रोन शॉट ले लिए जाए। अच्छा लगा इनसे मिलके, एक ड्रोन शॉट वगैरह हम सबने मिलके लिए हैं, ड्रोन शॉट आप लोगों ने देखे हैं। भाई लोग मुझे छोड़ रहे हैं कैलाशगिरी पर्वत पे, ये गाड़ी पे आए हुए हैं तो कह रहे हैं हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारा गाड़ी है और डिक्की खोलना पड़ेगा। चलो भाई बैठ के चलते हैं, भैया ड्रॉप करते हैं। पांच लोग ये पहले से ही हैं पूरे पूरे, ये ट्रैवल का यही प्लस पॉइंट आता है, नए नए लोग मिलते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये होटल है, ये बनाया हुआ खुद से? तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम व्यू पॉइंट पे। भाई लोग कह रहे हैं पहले व्यू पॉइंट पे चलते हैं, उसके बाद चलेंगे आपका वहां पे ड्रॉप करते हुए निकल जाएंगे। तो यहां बताया जा रहा है वो जो एक शिप है, वो जो शिप नज़र आ रहा है आपका, वो बांग्लादेश वालों का शिप अभी लॉकडाउन में बहता हुआ यहां आ गया था। लोग भी आ गए थे पर लोग तो वापसी चले गए हैं। और व्यू पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है, अंदर ही बीच है, ऋषिकोंडा बीच है ये। वो जो पीछे वाला पर्वत है वो नीलगिरी पर्वत है, जहाँ पे ऊपर केबल कार जाता है। कैलाशगिरी तो वो है जगन्नाथपुरी वाला, सॉरी कैलाशगिरी पर्वत है जो कि अभी जाने वाले हैं, ऊपर जाएंगे थोड़ी देर में, तब तक कुछ खाते हैं और यहाँ से हो सका तो ड्रोन शॉट लेंगे। मेरे लिए इन्होंने भेलपूरी मंगा दी है, अभी फेमस है पानी पूरी, पानी पूरी इस तरह से देते हैं, पानी तो बहुत ही कम है। यहाँ पे एक ही फ्लेवर रहता,
ये है कि सब लोगों का साउथ पे पूरा पसंद होता। तो भाई लोग अभी साथ ही जा रहे हैं ऊपर। किसका पापा का है? नहीं, बाबा चाचा का है। बाबा चाचा चाचा का है। हाँ, चाचा की गाड़ी इसलिए पूरा सेफली चला रहा है। तो हम आगे ऊपर पे दोनों ऑप्शन है, नीचे से केबल कार आता है, आप केबल कार से भी आ सकते हो और भाई लोगों के साथ में आ गए उनकी अपनी गाड़ी में, मतलब एक प्रॉपर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यार। अच्छा यार, तो आप जब अगर आ रहे हो विशाखापट्टनम तो यहाँ एग्जैक्टली जो बीच रोड है आरके वाली, उसी रोड पे आगे बढ़ता है। ये लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। ओके गाइस, बाय 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 बाय। मैं सबको बाय बाय कर दिया, अलविदा करके चलते हैं अंदर। और बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ है भैया अंदर, कह रहे ट्रेन भी चलता है, तो वाइजैक का एक अट्रैक्शन पॉइंट है। 5:32 हो गए और मौसम ऐसा हो गया जैसे रात होने वाली है। पार्वती शिव की मूर्ति है और इसको कैलाश गिरी पर्वत, मतलब एग्जैक्टली क्या ये पर्वत है या वैसे नाम रखा गया? आप लोकल हो? हम लोग नहीं, लोकल नहीं है। आप कहाँ से हो? हम लोग रायपुर से। रायपुर से आए हो, और यहाँ आपको खाने पीने के काफ़ी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। देखो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, ये टॉय ट्रेन चलती है यहाँ पे, एक बच्चों वाली टॉय ट्रेन है। थोड़ा सफ़र का एंजॉय करते हैं, दिखाते हैं आपको, तो अगर आपको आना हो तो डेफिनेटली आप भी इंजॉय कर सकते हो। ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, और ट्रेन स्टेशन ये वो वाला ट्रेन स्टेशन नहीं है जो बड़े वाला होता है, ये एक बच्चों का एक घूमने का ट्रेन स्टेशन है। ये कि हमें कैलाश गिरी जो माउंटेन जहाँ हम आए हैं वहाँ पे हैं, इसकी ट्रेन टिकट है अराउंड 100 रुपये की नॉन एसी, और एसी की है 150। तो मैंने नॉन एसी ले ली है, कोई बात नहीं, थोड़ा व्यू लेते हुए जाएंगे। कम से कम 20-25 मिनट की राइड है, वो राइड में क्या होता है एक्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, आपको दिखाता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट खाने पीने के बने हुए हैं, और यहाँ पे जो मेन भोले शंकर हैं और पार्वती जी है उनकी मूर्ति बनी हुई है वो आगे है, वो भी थोड़ी देर में देख के आते हैं। पूछता हूँ कितनी देर में आती है, अदरवाइज वहाँ चक्कर काट के आते हैं। यहाँ से 10 मिनट अभी टाइम लगेगा, तो तब तक फटाफट आपके चलते हैं आगे और भोले शंकर पार्वती जी का जो व्यू है वो देख के आते हैं। मार्केट है, आराम से शॉपिंग शॉपिंग खाने पीने के लिए फुल ऑन, ये बच्चों के लिए एंटरटेनिंग प्लेस है और बड़ों के लिए भी कह सकता हूँ है। वेलकम टू कैलाश गिरी हिल्स। काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी, ये मग वगैरह पर नाम वाम लिखवाने वाली होती है ना, टी शर्ट्स वगैरह मग वगैरह पर हॉर्स राइड करने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है। अगर आप वाइजैक यानी विशाखापट्टनम आ रहे हैं, वाइजैक मैंने कई मूवीज़ में देखा है अपनी साउथ की, तो अगर आप डालेंगे गूगल पे और जो कैलाश गिरी का जो सबसे पहले जो फ़ोटो आएगा वो ये आएगा, महादेव और पार्वती जी की फ़ोटो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। मतलब अच्छा टाइम पास है यहाँ के लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है, यहाँ से हिल के ऊपर है, पूरा व्यू शानदार नज़र आता है, बीचेस का भी सिटी का भी, बहुत ही प्यारा। ये रिसेंटली बनी है मेरे ख्याल से, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और इतना बड़ा भलेखा है, ये ऐसा लग रहा है चांद, ये पीछे डोम जो है, और एग्जैक्टली बनाया भी इसीलिए गया है, चांद लग रहा है। पर यहाँ कह रहे हैं ये सीज़न टाइम है, बारिशों का टाइम है अक्टूबर, पता नहीं क्यों यार हमारे वहाँ पे यार सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और यहाँ अभी रेनी टाइम है, और अगले 10 दिन तक कह रहे बारिश होगी। दिस इज बेसिकली व्यू पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जैसे वहाँ से दिख रहा था वैसे यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ से हम जाने वाले हैं छोटे छोटे जंगल से होते हुए, तो फटाफट चलते हैं व्यू पॉइंट में। अगर फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवानी है भैया, हम तो अकेले हैं, हमारे साथ तो कोई है नहीं फोटोग्राफ्स खिंचवाने वाला, जो थे उनको तो मैंने रवाना कर दिया है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, एक अराकू वैली है जिसके लिए ट्रेन भी जाती है बस भी जाती है, मैं विस्तार डोम एक ट्रेन जाती है, जो कि आपने मेरा मुंबई से पुणे वाला ब्लॉग देखा है उसमें विस्तार डोम में मैं गया था, वैसी ट्रेन है। अब यहाँ की टिकट मिल नहीं रही, शायद वापसी की ट्रेन की टिकट मिले, अब कल का क्या प्लान है वो देखेंगे, शायद बस से जाएंगे वापसी में उस ट्रेन से आएंगे। एक चीज़ अच्छी है, यहाँ प्राइस ऑन प्राइस चीज़ें मिल रही हैं, मतलब एक्स्ट्रा रेट नहीं ले रहे। ये जो व्यू है वाइजैक का देखो क्या ही ज़बरदस्त है यार, ये ट्रेन आ गई हमारी। यस भैया, इस ट्रेन में जाने वाले हैं, तो भैया ये ट्रेन है यहाँ पे, ये नॉन एसी डोम है, स्टेशन को बाय बाय करते हुए हमारी ट्रेन चल पड़ी है। तो भैया मैं आपसे यही कहूँगा, इस ट्रेन में बैठना है तो दिन के वक्त बैठना है, क्योंकि इस साइड का जो व्यू है नज़ारा है वो आपको दिन में नज़र आने वाला है, क्योंकि अब हो गई है रात, कोई फ़ायदा नहीं है। भैया ये व्यू है यहाँ से ज़बरदस्त, दिन के वक्त भी अच्छा है रात के वक्त भी अच्छा लग रहा है यार, वाई सिटी का नाइस। सफ़र हमारा हो गया पूरा, वर्थफुल 100 रुपये वैसे कुछ नहीं होता, पर वैसे इसकी टिकट 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है। केबल कार चलती है नीचे की तरफ और यहाँ खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो ये जाता है केबल कार की तरफ, रास्ता देखते हैं टिकट कितने की है। तो ये रुपये जो नीचे जा रहा है, अगर आप नीचे से ऊपर आते हैं तो 150 रुपीज़ का टिकट आने जाने का, और अगर नीचे जा रहे हैं तो 80 रुपीज़ का टिकट है। जो भी कहो स्ट्रक्चर जो पहाड़ी के ऊपर बनाया है, ट्रेन बनाई है पूरा बनाया है, खाने का और केबल कार प्राइवेट सेक्टर ने बनाया और अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है और उसको अच्छा खासा वसूल भी कर रहे हैं।
बारिश ने तंग कर रखा विशाखापट्टनम में भैया, पता नहीं क्या चाहती है बारिश। जबरदस्त बारिश हो रही है भैया, बहुत ही मुश्किल हो रही है और लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो अभी देखते हैं, एक ऑटो में बैठा हूँ। ये यहाँ के लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं, आज तक बता रहा हूँ। मुझे 20-20 रुपये सवारी बताया गया था, फिर बैठे तो किसी से पूछा अगर 30 दे दे, अब उतरा हूँ तो 40 मांगे, उसने 40 दे दी हैं। चलो कोई बात नहीं, पर कहने मतलब है कि ध्यान रखना, लैंग्वेज का इशू बहुत ज़्यादा है, बात करने में दिक्कत होती है। मन तो कर रहा बारिश में भीग जाए, पर इलेक्ट्रॉनिक चक्कर में भैया बचाना पड़ता है अपने आप को। और अभी चल रहे हैं एक मॉल में, KFC भी है, मैकडी भी है, फटाफट कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। तो भैया ये है मॉल यहाँ का, लेना तो नहीं है, हाँ मुझे लेना था साबुन लेना था और थोड़ा टिश्यू पेपर लेने हैं, वो ज़रूरी है। तो पहले आज अपनी गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा भी आ गया, खाते हैं फटाफट, करते हैं बात। मैं खा लो रूम में, मेरा बेटा मेरी स्टोरी देखता हुआ कहता अकेले अकेले खाते रहते हो, मुझे नहीं खिलाते हो, आगे खिलाऊंगा पक्का। तो भैया बाय बाय कर दिया है, चल रहे अपने जगह पे, रात के ठिकाने पे।